एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। तुम शिवम, गुड आफ्टरनून। चलिए तो हम शुरू करेंगे। क्या क्या शुरू करेंगे? गवर्नर जनरल एंड वायसराय। पहले गवर्नर जनरल और वायसराय को समझ लेते हैं क्या है ना है। ठीक है, क्या लगता है आप लोगों को, गवर्नर जनरल वायसराय क्या है? गवर्नर जनरल और वायसराय क्या है आप लोग, क्या लग रहा? हाँ जी, साउंड क्लियर है नाउ? क्लियर? ओके, चलिए देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय। हाँ, देखिए क्या है गवर्नर जनरल। भारत को अगर शुरू से देखेंगे हम, भारत को अगर शुरू से देखते हैं तो क्या आपको कहानी सुनने को मिलता है भारत में? आपके दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनने में आता है कि एक क्या था, राजा था। इस चीज सुनने में आती है, एक राजा था। मतलब जहां भी शासन का जो भी कार्यभार होता था, ठीक है ना, वो कौन काम करता था? राजा करता था। ठीक है, और ये राजा करता था, उसी के हाथ में शासन चलाने की जितनी भी होगी सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में, जिसको बोला जाता था राजा, किंग। बाद में इसी का नाम चेंज होगा, सम्राट भी उसी को बोलते थे, राजा भी उसी को बोलते थे। तो ये राजा की जो कहानी सुनते हो ना, ये आप बहुत पुराने वर्ष सुन रहे होगे। आप महाभारत में जाओ, रामायण में जाओ, आप पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, हर जगह आपको क्या मिलेगा? उपनिषद पढ़ लो, ये सभी पुराने की बात कर रहा हूं।
इस सब जगह में कहानी क्या मिलेगा, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक जगह, या फिर सोसाइटी को चलाने के लिए, या फिर राज्य को चलाने के लिए, या फिर स्टेट को चलाने के लिए, जिसे बोलना, या देश को चलाने के लिए क्या होता था, राजा होता था, ठीक है। और ये प्रक्रिया चलते रहता है, और ये प्रक्रिया क्या है, ये चलते रहता है, बाद में होता क्या है, ठीक है ना। अगर यहां तक देखोगे 712 ईस्वी के पहले तक, इसके पहले तक अगर देखेंगे आप, 712 ईस्वी के पहले तक देखेंगे, तो आपको मिलेंगे क्या, इसको देख लिया जाए ऐसे करके। यहां अगर इस डेट को देखें 712 ईस्वी, तो यहां तक आपको जो मिलेंगे, इसके पहले तक, इसके पहले तक आपको हिंदू को हिंदू राजा बोल सकते हैं, या फिर सनातन जिसको बोलते हैं, जिसका एक धर्म है सनातनी, इस टाइप के आपको राजा इधर मिलेंगे। मतलब कि यहीं के संस्कृति वाले लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। 712 में क्या होता है, इस्लाम का मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है, और फिर यहाँ पे ये इन लोगों का कहानी खत्म होता है, तब यहाँ से कहानी शुरू होता है। फिर राजा ही रहता है, लेकिन अब मुस्लिम राजा की कहानी होती है। यहाँ भी राजा का ही कंसेप्ट है, सुल्तान होता था, ठीक है ना, नवाब होते थे। तो ये कहानी जब 1712 से शुरू होगा ना, तो ये कहानी चलेगा कब तक, ये कहानी कब तक चलेगा, 1712 से शुरू होगा तो 1757 तक चलेगा। इसके बाद ये राजा कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है, और इसके बाद यहां पे फिर अंग्रेज एंट्री मारना शुरू कर देंगे, अंग्रेज। और अंग्रेज जब एंट्री मारना शुरू करेंगे, तब राजा की कहानी नहीं आएगी, तब वो क्या करेंगे, स्टेट को चलाने के लिए, या किसी जो जो भी जगह जीत लिए थे उसको चलाने के लिए उनके समय में आएगा गवर्नर, अब गवर्नर होगा, इसी को फिर गवर्नर जनरल बोलते हैं, ठीक है। तू शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंग्रेज जो आते हैं ना, अंग्रेज वो लाते हैं गवर्नर जनरल, या फिर गवर्नर बोलिए, नाम समय के अनुसार चेंज होते रहेंगे, या फिर वायसराय बोलिए। तो वायसराय कौन होते थे, अब देखिए, गवर्नर और गवर्नर जनरल, बाद में जब आप देखिएगा तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 1757 में ये लोग क्या करते हैं, 1757 में ये लोग बंगाल को जीत लेते हैं, ठीक है। 1757 में ये लोग बंगाल को जीत लेते हैं, और 1764 में ये लोग बक्सर के लड़ाई में, बक्सर का युद्ध में ये लोग बंगाल, ठीक है, इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, ठीक है, ठीक है ना, बंगाल, इलाहाबाद, प्रयागराज, कुछ हिस्सा, मतलब इसमें सारे आ जाएंगे, बिहार भर सब आ जाएंगे, ये लोग जीत लेते हैं, ठीक है, अवध, ठीक है। अब इन जगहों को ये सुचारू रूप से अपना शासन चलाने के लिए 1773 में ये क्या करते हैं, गवर्नर का पोस्ट बताते हैं कि यही चलाएगा, इसी के हिसाब से चलेगा, यही शासन व्यवस्था को संभालेगा, ठीक है। तो 1773 से लेके, देखिए यहां से फिर आते हैं, 1773 से शुरू होगा ना, तो 1857 तक ये गवर्नर रहेंगे, या फिर गवर्नर जनरल रहेंगे। इसके बाद 1857 यानी 1858 से लेके 1947 तक अब आ जाएंगे वायसराय, ये क्या जाएंगे, बाद में आ जाएंगे वायसराय। ये वायसराय कौन थे, अब बताते हैं। 1600 में यहां पे कौन आए थे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। तो 1857 तक, ठीक है ना, कंपनी के जो गवर्नर होते थे ना, कंपनी जिसको डिसाइड करते थी, वही गवर्नर यहाँ पे बनता था। लेकिन यहाँ पे जब 1857 का विद्रोह होता है, अंग्रेजों को लगता है, महारानी को लगता है कि अब तो यहाँ से सत्ता उखड़ के ही रहेगी, पता ना ये कंपनी जाके वहां पे क्या कर रही है,
कंपनी वहां पर कैसे शासन कर रही है, हम जो कंपनी को भेजे हैं, पहले कंपनी आई थी ना यहाँ पे, महारानी को उसमें शेयर मिलता था, जो भी प्रॉफिट होता था कंपनी यहाँ व्यापार करती थी, धीरे धीरे यही कंपनी ने भारत को जीत लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो थी। तो महारानी ने बोला कि क्या तुम कर रहे हो कि इतना बड़ा विद्रोह हो गया, वो तो खैर मनाओ कि पूरा भारतीय सपोर्ट नहीं किया, वरना 1857 में ही भारत आजाद हो गया होता, ठीक है। तब महारानी ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग हटाओ, अब हम अपना आदमी भेजेंगे, तुम सब यहाँ से निपटो वहां से। तब महारानी ने क्या किया ना कि गवर्नर जो होते थे ना उनको खत्म किया, और अपना आदमी जो वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट होता था ना, तो उसमें से कैबिनेट से एक आदमी अपना तरीका का आदमी उठा के क्या करती थी, यहां भेजती थी। तो जब ब्रिटिश महारानी का आदमी, ब्रिटिश महारानी जो होती थी ना, यानी ब्रिटिश राजा भी बोल सकते हो, उनका आदमी जो आता था ना उसको वायसराय बोला जाने लगा 1857 से। तो ये है गवर्नर और गवर्नर जनरल के या फिर वायसराय की कहानी, और ये है गवर्नर का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं बार बार, गवर्नर उसका मतलब यही है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले कौन आएंगे, अब देखिए 1773 में ये कहानी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। 1773 से गवर्नर का पोस्ट बंगाल में आएगा, ठीक है, कौन आएगा बंगाल में गवर्नर बनेगा, कौन बनेगा गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आती है, देखिए देखिए गवर्नर शुरू होता है 1773 से शुरू होता है, जब 1757 में जीत लेते हैं और 1773 से कहानी शुरू होती है, तो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बनता है, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनता है, ध्यान रखिएगा। और 1773 से 1785 तक रहता है, ठीक है। जब ये गवर्नर बनता है तो क्या क्या काम करता है ये पूछा जाता है, ठीक है ना, या फिर किसके शासनकाल में कौन सा रूल आया इसकी बात होती है, ठीक है। तो जब वो आया था, कौन, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग मतलब नियामक कानून, किस तरह से राज्य को चलाना है, तो उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, समझे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में, विलियम पिट, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, तो पिट के नाम पे ही ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है ना। इसमें शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट गया कि राजनैतिक कार्य के लिए अलग रहेंगे विभाग और व्यापारिक के लिए अलग रहेंगे, ये इसमें यही होता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अलग ये किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ ट्रेड दो कर दिया गया। फिर 1774 का रोहिला युद्ध, ठीक है ना, इसमें एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, स्थापना उस समय बंगाल में इसी के शासनकाल में हुआ था। तो जब आपसे पूछेगा ना ये चार चीज, तो पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल या फिर किस गवर्नर के शासनकाल में लाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट वाले, रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था, और रोहिला का युद्ध हुआ था 1774 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। तो वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक था, बाद में इसको हटा दिया गया था, इस पे ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था, ठीक है ना, कि तुमने वहां पे शासन गलत तरीके से किया है, लेकिन बाद में महाभियोग से इसकी मुक्ति हो गई थी, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद 1786 में गवर्नर बनता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1786, ज्यादातर गवर्नर जो होते थे ना 5 साल के लिए बनते थे, कुछ एक केस में ज्यादा आपको मिलेगा, कुछ एक केस में ज्यादा आपको मिलेगा 5, किसी किसी में 1 साल में भी हटा दिया गया, लेकिन मैक्सिमम 5 साल के लिए, जिस तरह से आज चलता है शासन व्यवस्था 5 साल के लिए ना, उसी अनुसार चलता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 बनता है, ठीक है ना। 1793 में ये कॉर्नवालिस कोड लाता है शासन व्यवस्था के लिए, ये अपना कोड ले आता है जिसको कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं, और बंगाल में क्या करता है, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त समझते हैं ना, क्या अस्थाई बंदोबस्त होता है, हाँ, भूमि राजस्व की तकनीक है अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें क्या करते थे ये लोग, अस्थाई बंदोबस्त में क्या करते थे, कुछ पता है अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था, अगर ध्यान में हो तो, हाँ जी। अस्थाई बंदोबस्त में क्या हो गया ना, कि भूमि क्या होता था, भूमि जो ये भूमि है,
ठीक है ना, ये किसी को दी जाती थी। तो भूमि के जो बोली लगाएगा ना, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे, ये क्या करते थे, उस भूमि को खरीद लिए, ठीक है ना, और उस भूमि को बड़े बड़े पार्ट में खरीद लिए। यहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे, इस भूमि का क्या करते थे, अंग्रेज बोली लगाते थे, ठीक है ना, बिड जिसको बोलते हैं अंग्रेज। फिर यहां से कुछ होंगे पैसे वाले लोग, वो लोग जमीन को खरीदेंगे बड़े स्तर पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, जमीन जमींदार कहलाएंगे। भूमि को जमींदार खरीद लेते थे। इसके बाद क्या होता था कि अंग्रेज और जमींदार के बीच में, ठीक है ना, होता था कि कितना टैक्स देना है नहीं देना है। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि 9/10 भाग अंग्रेज रखते थे और 1/10 भाग जमींदार रख सकते थे, ठीक है, 1/10 भाग। अब जमींदार क्या करता था ना, ये इस भूमि में जमींदार क्या करते थे, ये कृषक जो होते थे, किसान, कृषक, छोटे छोटे मजदूर किसान जो होते हैं, ये इसमें खेती करेंगे, ठीक है ना, और खेती के बदले में कुछ उनको मिलता था। तो बात यहाँ पे क्या हो गया ना कि जमींदार क्या करते थे, 9/10 भाग दे देते थे। इसके बाद जमींदार इतना इनका शोषण करते थे कि उनको तो अपना 9/10 दे दिए भाई, अब हमको फायदा चाहिए। तो इतना ज्यादा इनका शोषण होता था कि मत पूछो, तो तुमको सुनने में आएगा कि जमींदार हो क्या, या उस जमाने का ही जमींदार है, यही जमींदार होते थे सब, ठीक है। बाद में क्या हुआ ना कि इसी के थ्रू एक लाया गया था सूर्यास्त कानून, ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त कानून। इसी ये क्या होता था, सूर्यास्त कानून होता था कि पहले जब अंग्रेज जमींदार क्या करते थे कि इनका जब टैक्स होता था ना, समय पे नहीं पहुंचाते थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून बना दिया कि उस शाम तक अगर आपका टैक्स नहीं आया, अगर शाम ढलने तक, तो अगले दिन आपकी ये जमींदारी जो है, इस जितना मान लो ये भूमि इतना है, यहाँ से आपकी जमींदारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दूसरा अगर पैसा लेके आएगा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सूर्यास्त कानून यही था। तो अस्थाई बंदोबस्त समझ गया क्या था ना, जमीन बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले होते थे वो जमीन खरीदते थे, उसके अंदर कृषक काम करते थे और उनका बहुत बुरे तरीके से शोषण होता था, ठीक है, ये था अस्थाई बंदोबस्त। ये किसने लाया था, 1793 में ही ये कार्नवालिस ने लाया था। इसके अलावा और भी बंदोबस्त थे, थॉमस मुनरो जो लाया था, ठीक है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और रैयतवाड़ी को भी समझ लो और महलवाड़ी को यहीं पे देखो, सारे को समझा देते हैं यहाँ पे कि भूमि बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी, रैयत, रैयतवाड़ी क्या हुआ, अंग्रेज को जब लगा, अंग्रेज को लगता है क्या यहाँ पे कि ये क्या कर रहे हैं ना, कि जमींदार जो है बीच में टैक्स छुपा रहे हैं, हमको तो 9/10 दे रहे हैं, लेकिन इधर ये लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो बीच में ये लोग जमींदार दिख रहे हैं कि जमींदार धीरे धीरे अमीर होने लगे, जमींदार धीरे धीरे अमीर होने लगे। तब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि नहीं, कुछ और करते हैं, ठीक है ना, अब जमींदार को हटाते हैं यहां से। हालांकि बंगाल में ये लागू था, और कंट्री के और क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लगा कि ठीक है यहाँ पे चलने देते हैं, ठीक है ना, बिहार, बंगाल और वाराणसी का जो इलाका है, कर्नाटक में थोड़ा बहुत इलाका है, वहाँ पे ये लागू था, ठीक है ना। यहाँ पे साउथ में आए तो इन्होंने कहा कि अब जमींदार को हटाओ, भूमि सीधे, ठीक है ना, किसान से ही डील करते हैं, सीधे जिनको चाहिए आइए भाई किसान डील कीजिए, और क्या कर किसान से ही क्या करते हैं, सीधा डीलिंग करेंगे, बीच में उनको हटा देंगे, ठीक है ना। तो किसान से जब इनको डील होने लगा है अंग्रेजों का, तो ये भी अब पैसा कमाने के चक्कर में फिर क्या हुआ कि किसान का भी क्या होने लगा, शोषण करने लगे ये लोग। स्थिति यहाँ भी नहीं बनता है, किसानों को यहाँ भी क्या होता है, नहीं मिलता है कुछ बाद में। इसीलिए आपको जब स्वतंत्रता की लड़ाई में, कल ही पढ़ाए थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में किसान संगठन बनना शुरू हुआ, कल पढ़ाए थे किसान संगठन के बारे में, आपने शुरू हुआ किसान संगठन बनना शुरू होता है, क्योंकि उनका कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है, इनके ऊपर जो जमींदार बैठा हुआ है भारतीय ही है, लेकिन इनका शोषण कर रहे हैं। अब बताओ, अब ये कृषक जो है, पहले जमींदार, अंग्रेज तो छोड़ो ना, पहले तो जमींदार से ही लड़ेंगे ना, तो जमींदार से अपने लड़ेंगे तो भारत और भारत अपने में लड़ने लगे, तुम कहां से आजादी लोगे। एक था रैयतवाड़ी के महलवाड़ी,
ये महल का मतलब सोचिएगा कि गांव होता है, महलवाड़ी में महल का गांव होता है। इसमें क्या होता था ना कि गांव के कुछ लोग मिल के क्या करते थे ना, जमीन को खरीद लेते थे, ठीक है, और उनको बोल दिया जाता था कि तुम जमीन बांट दो, ठीक है ना, वहां से उन लोगों से टैक्स लेना और फिर बाद में हमें दे देना, जिसको बोला गया महल। इसमें एक व्यक्ति नहीं, एक गांव को ही, ठीक है ना, कुछ लोग मिल के लेते थे और बाद में टैक्स वसूल के उनको देते थे। इसमें भी होने लगा, इसमें बोली लगता था, और बहुत सारे महल जो थे उनका अगर समय पर टैक्स नहीं आया तो क्या हुआ, हाँ, उनका जमीन छीन के बगल, कल आज तुम जमीन के मालिक को कल तुमको दे दिया, तुमने कहीं से पैसा लाया तो। तो इसमें क्या हुआ कि अपने में ही ये लोग लड़ने झगड़ने लगे, अपनों का ही शोषण करने लगे। ये था महलवाड़ी, ये था रैयतवाड़ी, और ये था क्या, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त समझ गए क्या था, अरे समझे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लाया गया था, कौन लाया था अस्थाई बंदोबस्त, कर्नवालिस 1793 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड बेलेसली आता है, 93 से हट गए, ठीक है ना, मेन है 98 से 1805। सहायक संधि बहुत बार पूछा जाता है, सहायक संधि, सहायक संधि क्या था, सहायक संधि क्या था, सहायक संधि में अंग्रेज क्या करते थे, सहायक संधि में अंग्रेज क्या करते थे, कुछ पता है, सहायक संधि में देखो अंग्रेज क्या करते थे, बहुत सॉफ्ट नीति अपनाते थे कि सहायक संधि में अंग्रेज को क्या करना है, उसमें ये बहुत दिमाग लगाते थे। सहायक संधि में क्या किए, सहायक संधि में अंग्रेज काम क्या करते थे कि देखो, शुरू बार में जब अंग्रेज शासन करते थे ना, जब भारत में आए तो अंग्रेज जब शासन करना शुरू किए तो डायरेक्टली शासन नहीं करते थे, जानते थे कि डायरेक्टली शासन करेंगे ना तो जनता ही यहाँ का विद्रोह कर देगी और हमें भागना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो सहायक संधि में क्या होता था कि जब अंग्रेज लड़ते थे, ठीक है ना, अंग्रेज किसी से, अंग्रेज किसी राजा से लड़े और राजा को क्या किया इसने, हरा दिया, राजा को क्या किया इसने, हरा दिया, ठीक है। अब राजा हार गए तो अंग्रेज ये भी चाह रहे हैं कि नहीं, हार तो गए हैं लेकिन इसी को रहने दो, अभी अगर ये अभी नहीं रहेगा और हम शासन पर बैठ जाएंगे ना तो हमें ना भाषा समझ में आती है, तो शासन चलाएगा कौन, कैसे शासन करेंगे, हमारे पास इतनी सैनिक नहीं है कि यहाँ पे हम लड़ लेंगे, इतना बड़ा भारत है, तो जनता क्या करेगी, सीधे विद्रोह कर देगी। तो बोलते थे कि एक राजा राम, राजा राम एक काम करो, तुम ही राजा रहो, तुम चाहते हो कि राजा रहे, राजा ये सब लालची बोलते हैं, रहेंगे क्यों नहीं, राजा रहेंगे। तो बोला कि ठीक है, काम कर, तुम शासन पर रहो, ठीक है ना, शासन चलाओ राजा के नाम का, लेकिन एक बात रखना, जितना भी रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट हम करेंगे, तुमको केवल पैसा देंगे। इसके बाद क्या बोला, आपके राज में हम सेना रखेंगे, आपके राज में हम सेना रखेंगे। तो फिर राजा काहे को है जब तुम्हारे ही राज में सेना नहीं है, लेकिन लालच, सेना रखेंगे और वो भी किसके खर्च पे, तुम्हारे खर्च पे रखेंगे, ठीक है। फिर राजा को एग्रीमेंट करवाता था कि आप किसी दूसरे राजा से मेरे परमिशन से बात नहीं कर सके, मेरे परमिशन के बिना किसी दूसरे राजा से आप टॉक नहीं कर सकते, मतलब फॉरेन पॉलिसी समझ रहे हो क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी, जैसे भारत किसी और कंट्री से बात नहीं कर सकता अगर अंग्रेज चाहेगा तो, अगर यहाँ पर शासन है तो, वही राजा का होता था। तो जब ये बात नहीं कर सकते, टैक्स यही कलेक्ट करेंगे, सेना अपना रखेंगे, तो ये क्या हो जाते थे, कठपुतली। इसी को बोला जाता है सहायक संधि। फिर बाद में सेना तो इनका है ही, सेना अपना मनमाने तरीके से वहां पे काम कर रही है, अपना सब कुछ कर रही है, ये केवल नाम के राजा है, ठीक है। तो ये संधि नहीं होता था, एक तरह से प्रेशर होता था, और क्या करोगे, राजा राम तो हार गए, ठीक है। इसको बुलाता है सहायक संधि, इसकी शुरुआत लॉर्ड बेलेसली ने की थी। अंग्रेजी अगर अंग्रेज पूछेगा तो लॉर्ड बेलेसली, लेकिन अगर सबसे पहले शुरुआत पूछोगे ना तो फ्रांस ने, फ्रांसीसी एक था, फ्रांसीसी, उसका नाम था डुप्ले, उसने सहायक संधि शुरू किया था।
ठीक है ना। और इसी नीति को अंग्रेजों ने अपना के यहाँ पे पूरी तरह से आगे बढ़ गए, लेकिन फ्रांस आगे नहीं बढ़ा। ठीक है तंदूरी भाई नमस्ते, समझे कि नहीं। तो ये था आपका सहायक संधि, इसकी शुरुआत भारत में लॉर्ड बेलेजी ने किया था, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था? हैदराबाद, फिर मैसूर, इसके बाद तंजौर, ठीक है। ये सब लोग सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किए थे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो भाई सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड बेलेजी ने किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने। रेगुलेटिंग एक्ट सर्वप्रथम किसके शासन में? वाराणसी के। आगे आते हैं लॉर्ड मिंटो, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। लॉर्ड मिंटो इतने दिन से, इतने दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके समय में काम नहीं हुआ था, लॉर्ड मिंटो के शासन काल बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, ये काम सिर्फ यही हुआ था, अमृतसर का संधि हुआ था 1809 में, ठीक है ना। वैसे हिस्ट्री में ही पढ़ लोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक वारन हेस्टिंग्स का ध्यान रखना, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये 10 साल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के साल में ही नेपाल युद्ध हुआ था और रैयतवाड़ी अभी जो समझाए थे ना 1820 में, हॉल्ट मैकेंजी की सहायता से रैयतवाड़ी की स्थापना किए थे, ठीक है। तो अब जब आपसे पूछेगा कि रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसके गवर्नर जनरल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ था और नेपाल युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो सुगौली की संधि के तहत, याद रखिएगा, पूछा जाता है। बिल्कुल आएगा तंदूरी, बिल्कुल बिल्कुल, तुमको हम समझाते समझाते थक गए हैं कि 6500 जो क्वेश्चन है तुम साइंस जहां भी पढ़ लेंगे प्रभु वहां काम आ जाएंगे, बस इंतजार करो कि रेलवे की वैकेंसी कब आ रही है। चलो अरे समझे कि नहीं, समझ गए। लॉर्ड एमहर्स्ट, पहला बर्मा युद्ध, इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, जो हम इंपॉर्टेंट होकर बताएंगे आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत जरूरी है, स्टार मार्क्स लगाइए, इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत किया गया था और चार्टर एक्ट 1833 का लाया गया था इसी के शासनकाल में, क्योंकि 1828 से लेकर 1835 तक तो इसी का शासनकाल है, तो 33 बीच में आता है, तो 33 का चार्टर एक्ट लाया गया था इसके शासनकाल में, ठीक है ना। सती प्रथा का उन्मूलन इसी के शासनकाल में, ठीक है ना। इसी के शासनकाल में विधि आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा सती प्रथा किसके किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उनको बहुत बुरा लग गया था, इंग्लैंड में गए थे घूमने के लिए, यहाँ आए पता चला कि उनके जो भाई हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन भाई जब मृत्यु हो चुकी है तो भाभी भी नहीं उनकी दिख रही है, तो भाभी को देख रहे हैं तो पता चला कि भाभी को भी जला दिए हम लोग, बहुत धर्म के बहुत क्या हुआ, भाभी को हम लोग जला दिए, क्योंकि भाभी लेकिन जलना नहीं चाहती थी, कोई लोगों ने बोला, लेकिन सती प्रथा को अपनाना था तो भाभी को भी हम लोग जला दिए। इसके बाद वो कसम खाता है इसको हम खत्म ही कर देंगे, तब बहुत जान माल की भी हानि रहती है, इसके बावजूद भी रुकते नहीं है, अंत में खत्म ही करवाते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड अफगान युद्ध, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग, पहला आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कन्या भ्रूण हत्या, ये पूछा गया है, कन्या के भ्रूण हत्या, पता चल गया कि घर में, या फिर घर में तो थोड़ा ना, उस समय तो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, अगर बच्ची होती थी, लड़की होती थी तो भ्रूण हत्या कहीं फेंक देते थे, तो इस पे वो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, ये एक सामाजिक सुधार किया था, तो ये सामाजिक सुधार पूछा जाता है लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित, ठीक है ना। शिशु बलि प्रथा, शिशु बलि प्रथा लॉर्ड हार्डिंग ने रुकवाया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, ये इंपॉर्टेंट है, 1848 से 1856 तक रहता है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय आपको पता होगा, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई राजा का कोई पुत्र अगर नहीं है, उसका कोई वारिस अगर नहीं है, तो उस राज्य को सीधे अंग्रेज क्या करेंगे, अपने हिस्से में ले लेंगे, उसके मृत्यु के बाद वो दत्तक पुत्र धारण नहीं करेंगे। झांसी की रानी जो दत्तक पुत्र ली थी ना, वो अपने उनकी तो उनका तो क्या था, संतान नहीं था, ठीक है, तो दत्तक पुत्र ली थी वो, तो उनका तो राज तो अब जाने वाला था। गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई, जब उनके पति की जब मृत्यु होती है तो वो क्या,
वो तो जाने वाले रहते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से वो दत्तक पुत्र लेती हैं और लड़ाई लड़ती हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए। तो वो क्या था, बाद में मारी जाती हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसी का था, ठीक है ना। उसी के थ्रू बहुत सारे राज्य को ये मिला लिया था। तो ये था किसने शुरुआत किया था डॉक्ट्रिन ऑफ या बबकर का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी। वुड्स डिस्पैच ये शिक्षा से संबंधित था, पूछा गया है, ठीक है ना, पूछा गया है कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन कब, 1853 में, किसके शासनकाल में भाई, इसके शासनकाल में, पीडब्ल्यूडी की स्थापना, ठीक है ना, लोक निर्माण विभाग, आज भी पीडब्ल्यूडी है ना, इसके स्थापना इसी के शासनकाल में कौन किया था भाई, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है जी। आगे आते हैं फिर 1856 से 1862, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ, विद्रोह हुआ 1857 का, ठीक है ना। और इसी के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में तीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम, मतलब कि 1800 इसी के शासनकाल, अभी बताया था ना 1858 के बाद वायसराय आ गए, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, तो वही बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं से समाप्ति हो जाती है। जाइए घर जाइए, अब बहुत कंपनी से पैसा कमा लिया, अब यहाँ पे शासन कौन सीधे महारानी करेगी। और भारत सरकार अधिनियम पहली बार आया, ठीक है, महारानी के बाद, ठीक है ना, और वायसराय जो होते थे वायसराय कहलाने लगे, समझे, गवर्नर जनरल वायसराय कहलाना शुरू हो गया, ठीक है। और कोई, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों को। इसके बाद है लॉरेंस, भूटान युद्ध, कलकत्ता बॉम्बे, हाँ कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना लॉरेंस के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए लॉर्ड लिटन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं क्या था, इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1878 में, पहले तो डेट याद रखिए, पहले तो ईस्वी याद रखिएगा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कौन था, लॉर्ड लिटन। शस्त्र अधिनियम, ठीक है ना, लाइसेंसी हथियार ही रखना होगा, वैसे हथियार आपको मिलेगा नहीं, वरना विद्रोह कर देते भारतीय, तो शस्त्र अधिनियम ला दिया, ये कौन लाया था, लिटन ने। दूसरा अफगान युद्ध हुआ था, क्वीन विक्टोरिया को कैसर ए हिंद या भारत के सम्राज्ञी घोषित किया गया था इसी के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था, ठीक है ना। अकाल युग की स्थापना, स्ट्रेटजिक कमीशन, उस समय अकाल पड़ा था तो स्ट्रेटजिक कमीशन भी लॉर्ड लिटन के समय में ही लाया गया था, ठीक है। इससे बाहर वायसराय बिल्कुल नहीं जाता, सारा वायसराय इसी में तो जाएगा कहां से यार, इसको बस रटने की जरूरत है, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, आपको बता देते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कौन बुलाता है, इसी को बोला जाता है। पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में, कि 7 वर्ष से नीचे बच्चों को कारखाना में काम नहीं करने दिया जाएगा, और महिलाएं 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं, 8-10 घंटा से, 10 घंटा से ज्यादा काम, ये पहला कारखाना अधिनियम में आया था। इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, आपको बता देते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, जैसे पहले क्या था ना, इल्बर्ट बिल में लाया जा रहा था ना कि भारतीय जो जज होंगे ना, या भारतीय जो जज हैं वो भी अंग्रेजों का सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। भारतीय जज भी, अब अंग्रेज कोई काम ऐसा गलत करते हैं तो वो भारतीय जो जज हैं वो उनको सजा सुना सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ये लाया था लॉर्ड रिपन ने, वहां पे खलबली मच गया, ठीक है, बाद में इनको इसको हटा दिया सब, ठीक है। तो पहले जो सुनवाई होता था ना, भारतीय जो जज हैं वो अंग्रेजों को सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन वो सुनवाई कर सकते थे भारतीयों के, यही था इल्बर्ट बिल विवाद, जिसके कारण इसको हटा दिया सब मिल के, ठीक है ना। हंटर कमीशन इसी के समय आया था, ये भी किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। अभी वुड्स डिस्पैच पढ़े, वो भी क्या था, शिक्षा से संबंधित, ठीक है।
इतना ही याद रहने देते हैं, इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा, अभी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभी आगे हैं, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको लेकिन पढ़िएगा, जो जो स्टार मार्क्स लगवाए हैं उसको देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल एक बार में आपको ख़त्म हो जाएंगे, और हर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, ये ऐसा एक टॉपिक है। एक नंबर, दो 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 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, और जो स्टार मार्क लगवाए हैं ना उसी को पढ़ लीजिएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सर पेड क्लास में बहुत बारीकी से सिलेबस हुआ होगा विथ PDF? बिल्कुल, बहुत बारीकी से, इसमें और डिस्कशन होता है। ये तो शॉर्ट में ला के दिखा दिए आपको, लेकिन पेड वर्स में और ज़्यादा डीपली होता है, कहानी के साथ होता है, ठीक है। चलिए, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो तो बोलिए। किसी कोई समस्या हो तो बोलिए, वरना सभा की समाप्ति की जाएगी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। वैकेंसी आने का है इस, अच्छा वैकेंसी आने का है, इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे। अच्छा, जब भी पढ़ें, ठीक है, उनको बस बतानी है कि ये सीरीज चलेगी, दिखाएंगे आपको कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आएगा और उसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ो, फायदा होगा, ठीक है, पढ़ाई बेकार नहीं जाता। चलिए, गुड नाइट।